ऐसा तो रो चक्कर में डाल दिया हमसे बहुत सारे आदमी से कर्ज ले चुका है दस रुपये बारह रुपये हम दो सौ तीन सौ कमाने वाला है टेम्पू से इतना कर्जा आप कहा से रिक्शा जो है कितना कमाएगा कि अस्सी से नब्बे हजार रुपया वाला रोज हमारे घर पर आके मार बोल रहा है गाड़ी छिले जमीन छिलेंगे घर पर कब्जा करेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा मैं से में अभी हम छपरा जिला के सोनपुर थाना अंतर्गत बैजलपुर गांव में है और यहाँ हमारे साथ आप एक परिवार को देख रहे हैं जो कि परिवार इतना परेशान हो चुका है इतना परेशान हो चुका है कि अब जो है आत्महत्या करने के सिवा जो है कोई रास्ता नहीं है आखिर क्यों ये लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं आप लोग जानकर हैरान होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में आपको दिखाने का भी प्रयास करें करेंगे क्या नाम है आपका सुखन मेरा नाम है सर अच्छा ये टेम्पू चलाते हैं जी अब ऑटो रिक्शा टेम्पू चलाते हैं दो चार सौ कमाते हैं खाते हैं बाल बच्चा पोसते थे करवाते हमारा बीबी हमको ऐसा चक्कर में डाल दिया हमसे छुपे छुपे बहुत सारे आदमी से कर्ज ले चुका है दस रुपये बारह रुपये पर दो रुपये हम दो सौ तीन सौ कमाने वाला है टेबू से इतना कर्जा आप कहाँ से देंगे हमको मालूम नहीं था कि बीवी मेरा कर्जा लिया कुछ दिन के बाद दो महीना पहले हमको पता चला कि हमारी बीवी इतना कर्जा ले चुका है सुनने के बाद मेरा माथा खराब हो गया कि तब पैसा देंगे कहाँ से पैसा वाला रोज हमारे घर पर आके गए बोल रहा है कर गाड़ी छीन लेंगे जमीन <laughs> श्रीलंगा घर पर कब्जा करेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा मैं कहा से अब लास्ट में जहर लग रहा है कि अब खा के पूरे परिवार मर जाएंगे मरने के सिवा चुप हो जाए चुप हो जाये पहले पहले, पहले पहले पहले, जवाब दे दीजिए चुप हो जाये चुप अच्छा कितना आपका बाल बच्चा कितना मेरे पास चार लड़की है और एक लड़का है कमाने वाला मैं सिर्फ अकेले हूँ अच्छा तो ये जो कर्ज है वो आप आप लिए हैं नहीं मैं एक रुपया कर्ज हमको मालूम ही नहीं था हमसे छुपे चुपे हमारी बीवी ले लिया हमारा आधार कार्ड हमारा घर पर रहता था हम जब बाजार में निकल जाते थे तब तो हमारे घर पत्नी मेरा आधार ले करके फ़ोटो स्टेट करवा करके प्राइवेट बैंक को दे देती थी जाली दो नंबर कागज़ बना करके बिना हम बिना हमारा कहे हुए बिना बताए हुए दो नंबर कागज कैसे जमा करके दो नंबर फोटो दे करके सबसे पैसा लेते लेते आज इतना भारी कर्जा में डाल दिया सत आठ लाख रुपया से कम नहीं होगा दो सौ रुपया जब बैंक वाला कर्ज देता था तो उससे आप पूछे नहीं कि मेरा आधार कार्ड तुम लिया हम साइन किए नहीं तो फिर मेरे पत्नी को पैसा कैसे दे दिया मैं रोज पूछ रहा हूँ जब भी आ रहा है कल भी आया था परसों रोज़ पर डे आता है मैं रोज पूछता हूँ कि किस गारंटर पर आपने पैसा दिया पत्नी को तो आपका आधार जमा है के आधार जब जमा है आपका तो मेरा दस्खत होना चाहिए या आपका ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है कैमरा खोल के देखिए कि कभी हम आपके ऑफिस में गए हैं नहीं नाम भी नहीं जान रहे कि आपका कौन बैंक है ये लोग तो सब कुछ जान गया आप बिना हमारे बताए हुए आप पैसा दे दिए बिल्कुल सही बोले क्योंकि सब जाली काम किए हुए हैं फोटो किसी और का आधार हमारे घर एक कंपनी रहता तो हम मानते हैं ये आपका जो लिस्ट है इसमें सात सात कंपनी है जो कि आपको आपके कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कुछ मैं नहीं जानना हो इसका जांच हो जांच किया जाए हम चाह जा रहे हैं कि सभी बैंक को जांच किया जाए मेरा कहीं दस्तखत नहीं है हमको कुछ जानकारी ही नहीं था बीबी से हम पूछते थे कि तू कर्जा तू भी लिया है तो बीबी कहते थे कि नहीं हम एको पैसा नहीं लिए हमको कुछ जानकारी नहीं है आई करते करते एक बार जब पोल खोला तो पता चला कि आज इतना पैसा का कर्जदार है अब हमरा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पोजीशन में अब क्या करूं मेरे पास जहाँ खाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है अंत में मैं ये कर्म करने जा रहा हूं <laughs> तो देखिए ये दुखन दास जी हैं जिनका कि दुख भरी कहानी आप लोग सुन रहे हैं लगातार जो है कैमरा से बातचीत करने से पहले जब हमने इनसे बात किया और जानने का प्रयास किया तो इनके ऊपर जो है इकतीस परसेंट ब्याज पर जो है अढ़ाई लाख रुपए अढ़ाई लाख रुपए जिसका महीने में इकतीस परसेंट ब्याज चल रहा है मतलब आप लोग लगा सकते हैं अनुमान कि अस्सी से नब्बे हज़ार रुपया उस पैसा का जो है ब्याज है केवल और उस ब्याज को समझ लीजिए कि महीना में अस्सी से नब्बे हज़ार रुपया ये कहाँ से भरेंगे ये ई रिक्शा जो है कितना कमाएगा कि अस्सी से नब्बे हज़ार रुपया ये कर्ज़ सधाएँगे महीना का केवल ब्याज भरेंगे और बाकी आप देख सकते हैं सात ऐसे कंपनी से इन्होंने पैसा लिया है जिसका कि कुल पेमेंट जो है वो दो लाख रुपए का है चालीस हजार तीस हज़ार से पचास हजार करके ये दो लाख रुपए जो है सात कंपनी से उठा हुए है फाइनेंस कंपनी से और उसका ब्याज आप लोग जोड़ सकते हैं प्रत्येक कंपनी जो है बारह परसेंट चौदह परसेंट पर्सनल लोन के तौर पर जो है चौदह पंद्रह परसेंट सोलह परसेंट पर देती है तो उसका ब्याज कितना होगा वो भी आप लोग जोड़ सकते हैं बाकी इनकी पत्नी है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि दुखन दास जी जो है ऑटो चलाते हैं दिन भर घर से बाहर रहते थे और पत्नी ही मेन जो है वो कर्ज ली है कैसे कैसे कर्ज लिए थे आप दस रुपए पे पांच रूपये पे चार लिए थे वही संगठन में हम दो तीन गौरत है उसके साथ ले लिए हाँ. और पैसा बाबू साहब लोग लिए बाकी भी नहीं चंपता था यही संगठन में लोग ले लेता था, था हमसे हाँ. और वो लोग बार बार धमकी देते हैं कभी गाड़ी छीन लेंगे कभी तुम्हारे बेटा को मार देंगे तो हम डर से उठे लिए हैं तभी तो धमकी देते हैं ना हाँ तो लिए हैं तो क्यों ली थी पहले ये ना बताइए वही संगठन में भरण एक को पहले से था हाँ। अब को उठा थे। को पहले वाला क्यों उठाए थे वो कुछ हुआ, उधर भी हुआ, तो, हम का तो अब कैसे चलेगा इतना इतना पैसा अब कर्ज ले ली है पति को बताई नहीं।, नहीं फाइनेंस कंपनी से लेते गई तो अब जो है सब तो आपके घर पे हैं तो अब क्या कीजिएगा अब क्या करेंगे हमको मदद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम आप अपना आप दे, कर देंगे और क्या करेंगे जितना भी आप कर्ज लिया है उसमें ये बोले थे आपको कि पैसा उठाइए नहीं वो नहीं जानते क्यों ली पैसा हमसे सूद ब्याज में लोग ज्यादा ले लिया वही पैसा अगर आप कुछ कर भी लेती है अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो फिर तो आपका बच्चा एक है उसको भरना होगा वही से तो हमें दिखेंगे मदद कुछ हमको चाहिए बंधक अब रोने से कुछ होगा अपने नैयर भी गए वहाँ मदद मांगने वो भी लोग नहीं दिया हमको तो कैसे मदद करेंगे आप इतना इतना ब्याज महीने का नब्बे हजार रुपया कौन माइके वाला होगा जो आपको देगा और सधाएगा इसलिए हम फिर गए क्या कहना चाहिएगा जो देख रहे हैं चाहे नीतीश कुमार जी हैं लगातार ऐसा ऐसा मामला जो आ रहा है लोग जहर खा ले रहे हैं सुसाइड कर ले रहे हैं जिनके ऊपर कर्ज हो रहा है पूरा परिवार के साथ जो है दिन प्रतिदिन लोग जहर खा खा के सुसाइड कर रहे हैं ऐसे नीतीश कुमार जी से क्या कहिएगा हमको मदद चाहिए हमको मदद नहीं करेंगे तो आपते कर लेंगे और क्या करेंगे सब परिवार कैसे कोई मदद करने के लिए तैयार कार्य वाले रोज आते हैं रोज द्वार पर धमकी देकर जाते हैं तो आप लिए तभी तो धमकी दे के जाते हैं ना किसी और के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते हैं हम है थोड़ा बहुत लिए उतना है। तो ब्याज ही इतना है कि ये कर्ज जो है चाह नहीं दे सकती और ये ऑटो रिक्शा जो है इससे इसके कमाई से इनका कर्ज सधने वाला भी नहीं है बाकी हम दुखन जी से जानना चाहेंगे अब परिवार बीवी बाल बच्चा तीन दो बच्ची भी है आपको शादी करने के लिए एक बच्चा भी है तो अब कैसे चलेगा ये नब्बे हज़ार ब्याज हो गया दो लाख चालीस हज़ार जो है ये मूड़ हो गया और इधर सात फाइनेंस कंपनी का जो है ये दो लाख रुपए इसका जो है मंथली पे करना वो अलग चीज़ है तो ये सब कैसे चलेगा दुखन जी अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगा अब सौ दो सौ रुपया तीन सौ रुपया कमाने वाला इतना ब्याज हम कहाँ से देंगे हमारा कहीं कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किधर से निकले अब मेरे पास एक ही विकल्प है आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है नहीं तो जीना ऐसे भी मुश्किल है वैसे भी मुश्किल है तो हमको लास्ट में जहर खा के मरना पड़ेगा दूसरा क्या करें पैसा इतना हम लाएंगे कहाँ से मेरे पास पैसा है नहीं खाने के लिए अभी मोहताज है जो देख रहे हैं जो हाँ, वीडियो देख रहे हैं हाँ, चाहे सरकार हो यहाँ के माननीय नीतीश कुमार जी हाँ। वो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कहना यही चाहेंगे ये लोग भी जान रहे हैं कि हम उस ढंग का आदमी थे कि आज तक जीवन में हम पाँच रुपया किसी से कर्जा नहीं लिया था और बीवी से भी पूछ रहे थे कि तुम किसी से पैसा लिया ये हमसे छुपाया मेरे साथ छल करके ये पैसा लेते लेते किसी के बहकावे में दो चार गो औरत जो थी ये इसको बहका दिया बहकाते बहकाते पैसा लेता था आधा ही लेता था आधा दूसरे को देता था पार्टनरशिप में पैसा उठाता था कि एक किस्त हम भरेंगे दूसरा किस्त तू भरिया करते 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 कर वो किस्त भरना बंद कर दिया टाइट आदमी था वो लोग इसको दबाव दिया कि तू किस्त भरो तुम्हारा पैसा है आज कोई किस्त नहीं दे रहा है सब किस्त लेकर के इसी के माथा पर थोप दिया कि तुम दो आज हम फेरा में पड़े हुए हैं क्या करें हमारे तो दिमाग में कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें सो क्या करें तो ये दुखन दास जी हैं जिनका की कहानी आप लोग सुने और इतना कर्ज़ में ये डूब चुके हैं कि अब जो है ई रिक्शा के कमाई से ये पूर्ति होने वाला नहीं है बाकी आप लोग से हम चाहेंगे विनती करेंगे कि आप लोग जो है इनका मदद करें अगर आप लोग एक एक रुपए से भी मदद करते हैं इनका अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा एक एक रुपए से भी अगर इनका मदद करते हैं तो इस कर्ज को जो है सधाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक एक रुपए से मदद कर देते हैं तो ये परिवार जो है बच सकता है फिलहाल हम लोग बचा भी सकते हैं और इतना मेरा भी औकात नहीं है कि हम इतना पैसा देकर जो है इनको बचा सके लेकिन आप लोग चाहेंगे एक एक रुपए देंगे तो इनका मदद हो जाएगा और मदद होने से जो है इनका कर्ज भी सद सकता है और जो कर्ज देनेदार हैं उनका क्या कसूर है क्योंकि वो कर्ज तो सभी लोग जाते हैं लेते हैं देते हैं लेकिन ये कर्ज इतना ले चुके हैं इतना ले चुके हैं इतना डूब चुके हैं कि इसका कोई था नहीं अभी भी जो है इनकी पत्नी इनसे छिपा रही अभी भी एक आध दो जो है ऐसे कर्ज़दार हैं जिनका नाम नहीं जानती है वो भी जो है कर्जदार अब इनके घर पर आता है और वो भी जो है अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं है बाकी एक एक रुपये से मदद करें और इस परिवार को बचाएं और वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें जय हिंद जय बिहार